Sarita. कथा सरिता कार्यक्रम च अस तुसें गी डोगरी भाषा दे प्रसिद्ध कहानीकारें दियां चोनमियां कहानियां सना करने आं। अज्ज तुस सुनगियो नरेंद्र खजूरिया हुंदे कहानी संग्रह नीला अंबर काले बदल थमां कहानी नाटक दा हीरो। पढ़ी सुनार दियां कुसुम टिक्को। उवे गल होई, सब किते किराए पर जियां पानी फिरन लगा। ए ते असें नेहा सोचे दा जे बिना कुसे बिगना दे साड़ी नव कलाकार मंडली दा पहला नाटक, जिसी अस सारे अपना पहला शाहकार के आखदे हे, सफल होई जाग। पर असें बिना सोचे दा जे रफड़ इस गल्ले दा भी पई सकदा है। हरीश ने चुप चपीता आदमी इन्ना स्यापा भाग, असें ते उसी बस इयां के कन्ने रखे दा हाँ, ते ड्रामे कन्ने ओदा कोई दूरे दा भी संबंध नहीं हाँ। जियां साड़ी नव कलाकार मंडली दे नां कोला प्रकट है, अस सारे सखेत्रु हे। साहित्यक भाषा विच जिन्हें कि कल्ले दे कलाकार ते फिल्मी जबान च नमें चेहरे आखदे न, अस अजे उवे हे। अस समझदे हे जे कला दे क्षेत्र विच अगला कल साड़ा है। 1962 दे बरे दे अखीरी दिन है, जिस वेले साड़े दिले उपर चीनी अमले दे पछ सजरे सजरे हे। किश करिए दसने दी भावना असें अठे दसें बेलड़े बिच भी मलकार मारी गई। असें सोचा किश ते करना चाहिदा। खीर अस इस फैसले पर पुजे जे होर किश नहीं तां इक नाटक के खेडिया जा। बैठे बैठे के नाटक मंडली दा नां संस्करण भी होई गया। चीनी अमले की सामने रखिए इक नाटक दे प्लॉट पर बैठकां आउण लगी पईआं। करां मात के आही जे अठे दसें दिनें दे अंदर असें परदा टंगने जोड़ा प्लाट खड़ेरी लिया। हून साढ़े अगे दो काम हे, थोड़े मते पैसे दा प्रबंध ते रिहर्सल लई थार। ए दमें नेहियां चीज़ां ही आ जिथे सच्चे कलाकार दी आमदनी लगदी। पर साड़ी टोली बिच हरीश इक नया आदमी हा जिहड़ा ना सच्चा ते ना के झूठा कलाकार हा। इस मौके ओ पुकरी गया। दोनों कम्में का जिम्मा उन अपने उपर ले लैता। अपने के घर एक कमरा उसने असें की रिहर्सल करने लई देई ओड़िया ते दावा किता जे अठे दिने दे अंदर अंदर वह 200 रुपए दियां टिकटां भी बेची दे। हरीश जिसी असें अपने बरोबर कदे नहीं समझिया, जिहदी गिनतरी कलाकारें बिच नहीं साढ़े प्रशंसकें बिच ही, उन्हें वह करी दस्या जिहदी कुसे की मेद नहीं ही। असें खुशी बिच उसी चुकी लैता। हरीश चंद्र जिंदाबाद, हरीश चंद्र जिंदाबाद, राजा हरीश चंद्र जिंदाबाद। एदे बाद पाठ लिखोए। फिर पाठ बंडोने दी बारी आई। उआं ते सारे के पाठ अंदरों अंदरी साड़े विच मलोई गए दे। साड़े कोल सच्चे कलाकार की मिनने दा इक्की नाप हा, कला लई कलाकार दी कुर्बानी। इस साबे खन्ना साड़े सारे बिच सिर कढ़दा हा। उह त्रै बारी कला लई घरां नस्सीए बंबई एक्टर बनने की गेदा हा, ते जड़ा उन जम्मू विच रोंदे होई भी फिल्मी एक्टर के लभदा हा। अपने असली परमट्टे उन्ने चरोकने दे मनाई ओड़े दे हे, ते उन छड़ी आईब्रो पेंसिल कन्ने बरीक बरीक निशान उन्दे थार पांदा हा। ए ओदा दावा हा जे शहरा बिच टाइट पेंट दा फैशन पहलो पहल उसे ने चलाया हा। इन्हें सारे गुणे दे उन्दे ए साफ हा जे साड़े ड्रामे विच हीरो दा पार्ट खन्ने ने के करना हा। पर इस गल्ले दी भी खानापूरी लोकतंत्री ढंगे कन्ने करना जरूरी ही। नव कलाकार मंडली दा इस सरबंधे विच एक जरूरी अजलास हुआ। साड़ी मंडली दा मंत्री जिहड़ा अपने पतले संगे ते जनाना नैन नक्शे कारण ड्रामे दी हीरोइन दे चुनाव लई अपने आपा की बिला मुकाबला कामयाब उम्मीदवार समझदा हा, होर पतली आवाज़ कड्ढिए बोलिया, साड़े इस ड्रामे विच हीरो दा पाठ कौन करग? असें खन्ने बखी दिखिया। खन्ने ने जियां एक क्लोजअप लिया, मुंडे बिंद पिछे की खिच्चे, अक्खीं की तिरछा करिए बड़ी अदा कन्नै अपने खब्बे अंगूठे की ओंठे पर फेरिया, पर तौले गे ओदे ओंठ अंगूठे जिन्ने खुली गए। हीरो जियां पलें छिने विच खलनायक बनी गया। असें जियां हरीश दे बोल सुने के नहीं है। खन्ना खन गया, के मतलब?
अरीश ने सहज सुभा कन्ने परती आख्या, मतलब ए जे इस ड्रामे विच ईरो दा पार्ट मैं करंग। किस बना उपर? खन्ने ने रोए विच कंबदे हुए पुछया। मिगी ईरो दा रोल पसंद है, अपने देसे दी रक्षा ले लड़दे लड़दे मरी जाना, वाह की आदर्श है। अरीश विच जिया नाटके दे नायक दी आत्मा प्रवेश करी गई दी, अस सारे बुत जन बने दे हैं, कदे अरीश बखी ते कदे खन्ने बखी दिखा दे हैं। खन्ना, जिया इस अनहोनी घटना दे तक्के कारण अपने आपा की संभाली नहीं सका दा। इये जिने मौके उसी सिगरटे दा बड़ा सहारा आउंदा है। सिगरटे दा एक कश खिचिए उन्हें आख्या, मिस्टर हरीश, इस मोती मरने लई उस्तादे दी मार खानी पौंदी है, स्टेजे पर मत्थे रगने पौंदे न। कला कोई कला कंद नहीं जिसी अर्जनोर खाई लैग, नकली गोलियां खाइए एक्टिंग इयां करनी पौंदी है जे ताड़ो ताड़ असली गोलियां लगे दियां होन। खन्ने ने अपने पट्टे उपर जोरे दा एक हथ मारिए ताड़ो ताड़ गोली चलने दा जियां इफेक्ट दिता। अरीश आखे दा, हा एक कोई औखा काम नहीं है, इये जने पाठ की करदे असें की ए चेता के की रवे जे गोलियां असली न जा नकली। साढ़े सामने उच्चा आदर्श है, अपने देसे लई असदे असदे बलिदान होई जाना। खन्ना दंद कचीचिए बोलिया, अरीश, ए आदर्श किराए पर आंदे दे फट्टे दी स्टेज उपर नहीं, देसे दे बन्ने उपर रेते दियां बोरियां मजाटे बने दे मोर्चे उपर सौंप देन। अरीश जिया अजो पहला अरीश है के निहारे दा, बड़े शांत सुभा कन्ने उन्हें जवाब दिता, काश साड़ी स्टेज असली मोर्चा होंदी, मैं तामी इस नाटक दे नायक दा उच्चा ते सुच्चा आदर्श पूरा करदा, अपने देसे दे आजादी ते अखंडता दी राखी करदा करदा इस धरती च सदा ले सही जंदा। खन्ने ने सिगरटे की छंड कराई ते गुस्से विच उठी खड़ोता, ठीक है, जे हीरो दा पार्ट तू करना है ता अस भी ड्रामा दिखन के आओगे, पर जे ड्रामा होग ता साढ़े सामने साढ़े सुखने का ताजमहल टोन लगेदा हा। खन्ने दे इयां जाने का मतलब यह हा जे उहदे कन्ने साड़ी मंडली दे मंत्री उर्फ ड्रामे दी हीरोइन भी गई, ते उहदे बाद नव कलाकार मंडली अपने जन्म कोला पहले के सदा लई मरी जांदी। दऊं साथियें मसा खन्ने की फड़िया, उसी जियां अपना कला कौशल प्रकट करने का मौका थोई गया। उन्हें ओ फराटेदार डायलॉग बोलना शुरू किते, जे असें समझी लैता साड़ा ड्रामा अज के मुक्की जंदा लगता है। मैं अरीश की बार ले जाइए अर्ज गुजारी, पापे तु पता के है जे खन्ना रुसी गया तो ड्रामे आले दिन साड़ी स्टेजा पर बिजली भी नहीं जगी सकती, फिर साढ़े शहरा च पत्थरें की भी थोड़ नहीं है, इस करी भ्रा मेरिया ईरो का पार्ट तू खन्ने की क्या करन दे। अरीश ने जिया कोड़ा घुट परी लाता, आखन लगा, खरा इस ड्रामे च खन्ना के ईरो का पार्ट करी लै, अस भी कदे ना कदे कुसे ना कुसे स्टेजा पर मनै दी साध पूरी करी के लगे। मैं आख्या जे तुम भी खन्ने अंगर रुसीए चली गया तां भी साड़ा ड्रामा नहीं होग, रिहर्सले लई कोई दुआ थार साढ़े कोल भी नहीं है, फिर 200 रुपए दियां टिकटां बेचने का जिम्मा भी तो तू अपने उपर लैते दा है। अरीश मुस्कराइए बोलिया, एदा मतलब ए नहीं जे मैं तुंदे कन्ने सहयोग नहीं देंग, मेरा पूरा पूरा सहयोग तुंदे कन्ने रोग। 3 अक्टूबर 1963, मेरे सामने अजय दी अखबार पे दी है, पहले सफ़े दे त्रीए कॉलम च एक तस्वीर छपी दी है जिदे खल लिखोए दा है चविंडा का हीरो। मेरी निक्की कुड़ी आई है मेरे कोल खड़ोई जंदी है, ओदे हत्थें च फड़ी दी कैंची दी किरच किरच मिकी सनोचे दी है, पिता जी बेटी अजय ने, वह फिर चुपचाप खड़ोई जाती है, उहदे मने दी प्रतिक्रिया जियां कैंची दी किरच किरच दे रूप च प्रकट हो आदी है। जदों दियां अखबारें च देसे उपर बलिदान होने वाले वीरे दियां तस्वीरां छपे दियां ने, वह उन्हें कि कतरी कतरी अपनी एल्बम पर लांदी जा करदी है। अजे दी अखबारे दे पहले सफ़े दे त्रीए कॉलम च जिहड़ी तस्वीर छपी दी है उसी कटने लई उन्हों 3 बारी आई है, पिता जी बेटे बलगी जा। मेरी अखी सामने जियां तस्वीर टंगोई दी है, पिता जी अखबार च लिखे दा जे ए कैप्टन होर जम्मू दे के रोने वाले है, तुसी ने कि नहीं जानते।
मैं सोचा करना आखा जना वो आखदी जा करदी है। किन्नी वीरता ने ये आखरी साएं तकर अपने मोर्चे उपर लड़दे रहे। पिता जी मिकी सुनाओ ना, एक गुण है मैं अपनी कॉपी पर लिखना है। तस्वीरा बखी के टिप लाए दे मैं आखना, तीए एक बारी इन्हें साढ़े कन्ने मिलिए एक ड्रामा स्टेज किता। हाँ तदू ये कैप्टन नहीं छड़े अरीश है। आ तू ही उस ड्रामे की पूरी कहानी सुना।